न्यूज़ अलर्ट लाइव। समी ने खुद मुझे उस कहा कि मेरे फैमिली को पता है तुम्हारा मेरी फैमिली कैसा है। मॉडल मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में रूम के बाहर दरवाजे के पास समी ने ये मुझे बात कही और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था, ठीक है। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया उस रूम में, धक्का दे के समी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा वो। तो जब उसने मुझे पकड़ना गंदा काम करने की जब कोशिश करने लगा तब जो है मैं बहुत बुरी तरह चीखी। बुरी तरह चीखने से अगल बगल में मेरी आवाज जाने से समी ने फिर दरवाजा खोला और बोला कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से निकलो, क्या क्या होगी तुम। इतने इल्जाम ये मुझ पर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता। को जहाँ तक 5 साल का सवाल है, मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। ये एक मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है क्योंकि मैं अभी मैच में बिजी था, सब कुछ था। सो जहाँ तक सवाल 5 साल का, तो ये आज ही क्यों निकला? पिछले 5 साल से निकलने में इसको इतना टाइम कैसे लग गया? सो ये मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है। मैं हमेशा ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा है कि मैं होली पे भी फैमिली के साथ था, मैं हर फेस्टिवल पे फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्ची के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, हर जगह वाइफ के साथ खड़ा हूँ। इतनी ट्रॉलिंग के बाद भी मैं वाइफ के साथ खड़ा था और मैं आज भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। देखो वो मैं ना तो मेरा मोबाइल है, ना मेरा नंबर है और ना मेरी वो चैट है, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। तो ये चीज़ तो सब जानते हैं मेरी फैमिली रिलेशन में कितना हैप्पी था, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे रिलेशन को अकेला मैं ही जानता हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जैसे उसने डिमांड की थी, जैसे शॉपिंग के लिए उसने बोला था, मैं सेलेक्टर्स के साथ था और मैंने उनके लिए शॉपिंग की थी और सब कुछ अच्छा था। आने के बाद भी हम लोगों ने साथ में शॉपिंग की है, हम ज्वेलरी लेकर आए हैं, होली साथ में मनाई है। सडनली क्या हुआ है इसके पीछे मुझे कोई पता नहीं है, जब जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। था मेरी तकलीफ थी, मेरा टेंशन था, मेरा हेडेक था, मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरा दर्द था, जो मुझे बयान करने के लिए, जो मुझे विचार दे सके इसके लिए मैं कहीं भी जाके अगर बताने की भी कोशिश करी तो मुझे वहाँ कहीं से भी कुछ सुविधा या हेल्प नहीं मिला। मुझे एक ही जगह मुझे लगा कि मैं करूं, वो है FB। FB में मैंने पोस्ट करे, मैंने कोई भी गंदगी फैलाने के लिए नहीं करा, ना कोई इंटरटेनिंग के लिए करा। ये मेरे हस्बैंड के चैटिंग है लड़कियों के साथ, ठीक है। तो ये मेरा एक लड़ाई है, ये एक मेरे हिसाब से देश सुधारक काम है। बहुत से लड़के ऐसे लड़कियों से बचेंगी, बहुत से लड़कियां ऐसे कारनामा करने से बचेंगी, बहुत सा घर टूटने से बचेगा। तो ये तो एक अच्छी वे था। तो फेसबुक ने क्यों मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, फिर मेरे अकाउंट से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया विदाउट माय परमिशन। ये सब क्वेश्चन आप क्यों नहीं करते, इसका जवाब आप क्यों नहीं देते, आप क्यों नहीं कहते कि हसीन आपने ये सवाल उठाया था तो हमने फेसबुक से ये सवाल करा तो ये जवाब मिला। हमेशा हसीन के मुंह में माइक लेके आने से क्या करेंगे आप। शमी, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए कि आप देश के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखो ये सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। देशद्रोही होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज बोलती है मेरे लिए, और मेरे देश के लिए। इससे पहले अगर ये चीज मेरे मन में ख्याल भी आता है कि मैं देश के खिलाफ कुछ करूं, उससे पहले मैं अपना मतलब मैं मर जाना चाहता हूं, उससे बेटर। पाकिस्तान की ऐसी वो कौन सी लड़की है जिससे जो है वो आपने पैसे लिए हैं, किसी कोई डील की है? मोहम्मद भाई ने डील कराया है, मोहम्मद भाई कौन, वो पाकिस्तान की कौन लड़की, पूरा मामला क्या है? देखो मोहम्मद भाई को सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है इन टीम के लोग सभी जानते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी फैमिली को सब लोग जानते हैं और ये हसीन
खुद जानती हैं इस बारे में, और कल कह भी चुकी हैं कि मोहम्मद भाई बहुत अच्छी फैमिली से हैं, पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, और आज वो ये कह रही हैं कि आज मोहम्मद शामी को उन्होंने डील कराई है। तो ये मेरी समझ के बाहर है कि ये चीज़ है क्या, गुड बाय थोड़ा कीजिएगा, पाकिस्तान की कौन लड़की है वो, क्या है, थोड़ा ये आगे चीज़ बताओ। यही बताएंगे इस चीज़ को कि पाकिस्तान की लड़की से मैंने किससे डील की है, किसको पैसे दिए हैं, क्योंकि आप एक इंसान के लिए आप कल अच्छा बोलते हो आज बुरा बोल रहे हो, तो ये इसके पीछे कोई प्लान लग रहा है। सर बीसीसीआई का कांटेक्ट वही नहीं थोड़ा रहा है आगे इस समय, तो बताना क्या होगा कहना उसको। चाहते देखो हैं? बीसीसीआई को मैं पूरा भरोसा है, मुझे बीसीसीआई के ऊपर के जो बेटर होगा वो लोग उस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और इस चीज़ के अच्छे से वो लोग जांच करके जो डिसाइड करेंगे वो मुझे मंजूर है, और जो अगर इसमें अगर कुछ गलत होता है तो जो सबके लिए सजा होगी वो मेरे लिए मंजूर है। न्यूज अलर्ट लाइव सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।